हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार होकर कहां जा रही है। भारतीय मीडिया के मुतजाद दावे। अवामी एहतजाज के बाद वजारत उज़्मा से मुस्ताफी होकर बांग्लादेश से फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद कहां जा रही है, इस बारे में भारतीय मीडिया के मुतजाद दावे सामने आए हैं। अवामी लीग की सरबराह और बांग्लादेश में एक दहाई से जायद अरसे से जेर इक्तदार हसीना वाजिद के इक्तदार का सूरज गुरूब हो गया और अवामी एहतजाज के बाद उनके गैज़ व गज़ब से बचने के लिए शेख हसीना वाजिद वजारत उज़्मा के मनसब से मुस्ताफी होने के बाद मुक को छोड़ चुकी है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर कहां जा रही हैं, इस बारे में भारतीय मीडिया की जानिब से मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। भारतीय मीडिया ने सबसे पहले खबर दी थी कि शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। ताहम इसी दौरान एक भारतीय सहाफ़ी का ये दावा सामने आया कि उन्हें भारत में दाखिले की इजाज़त नहीं और वो बेलारूस जा रही है। ताहम कुछ भारतीय मीडिया के हल्के ये दावे कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद का जहाज मुमकिना तौर पर भारत के दारुल हुकूमत दहली या अगरतला में लैंड कर सकता है। शेख हसीना वाजिद इक्तदार छोड़ने के बाद बांग्लादेशी फौज के सी 130 तैयारे में मुख से रवाना हुई है।